मेरे भाई, मैं फिलहाल तो तजिया करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं बनू में हूँ और आज मैंने सारा दिन शुमाली वजीरस्तान में गुजारा है और मैं काफी परेशान हूँ वापस आके। अब मैं कल सुबह इस्लामाबाद वापस आऊंगा, तो यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि वी हैव लॉस्ट दिस टेरिटरी। इधर तो कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, जो पाकिस्तान का नाम लेता है उसको ये गोली मार देते हैं। तो वी हैव आई थिंक लॉस्ट, हम ये इलाका खो चुके हैं। और यहाँ पे जो मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही हैं शुमाली वजीरिस्तान में, वो जो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, ना तो कोई इन्होंने अलकायदा का बंदा मारा है अमरीकियों ने, और ना ही कोई तालिबान का बंदा मार रहे हैं। और रास्ते में मैंने सुबह जो है जब निकला था इस तरफ, तो मैं रास्ते में जो है काफी जगह पर रुका भी हूँ। तो जो मेरी इस वक्त इन्फॉर्मेशन है, बनू के बाद, बनू शहर के बाद, बनू से कुहाट के दरमियान जो इलाका है, वहां पे पाकिस्तान खत्म हो चुका है और ये बड़े अफसोसनाक बात है। और जो फौजी ऑपरेशन है ये तालिबान के खिलाफ नहीं हो रहा, ना ही अलकायदा के खिलाफ हो रहा है। बाजौड़ में और स्वात में जिन इलाकों में तालिबान मजबूत हैं, उनके कैंप हैं या उनकी मौजूदगी है, उस तरफ फौज नहीं जाती। फौज उस तरफ जाती है जहां पे कमजोर सिविलियंस हैं, उनको मारते हैं ये। और मिसाल देता हूं मैं आपको कि जो अब्दुल वली है, बहुत बड़ा तालिबान का कमांडर है, उसका मरकज अभी तक कायम है बाजौड़ में भी और महमंद में भी, उसके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। लेकिन लोग कहते हैं जी कि जो गरीब लोगों के गांव हैं उनको ये उजाड़ रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये पूरे का पूरा इलाका जो है तालिबान का हामी बन चुका है, और खौफ आता है यहां पे आते हुए। और ये जो ऑपरेशन कर रही है पाकिस्तान आर्मी, इससे तालिबान को फायदा हो रहा है, और जो अमरीका मिसाइल मार रहा है उसका भी फायदा तालिबान को हो रहा है। ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी बैन अल-अक़वामी साजिश में पाकिस्तान फंस चुका है। पाकिस्तानी फौज जो कुछ कर रही है उसका फायदा भी दुश्मनों को हो रहा है, और जो दुश्मन कर रहे हैं उसका फायदा तालिबान को हो रहा है। जी मीर साहब, ये बड़ी अब इस तरह की जो सिचुएशन बता रहे हैं, इट्स वेरी डेंजरस एंड अगेन अलार्मिंग। आपने भी सुना होगा, जरदारी साहब ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बड़े उन्होंने अच्छी खासी एक ताकत वाले ये लहजे में कहा था कि पाकिस्तान का एक एक इंच भी कोई यहां पे जय नहीं हो सकता, या कोई उसको नहीं ले सकता हमारी जमीन के टुकड़े हैं जो मौजूदा पाकिस्तान है। अब आप कह रहे हैं कि कुहाट और बनू के दरमियान का जो एरिया है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो रहा, तो ये कैसा लग रहा है आपको? जरदारी साहब कुछ और हमें बता रहे थे, आप जो ग्राउंड पे सिचुएशन देख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, आप इसको कैसे देखेंगे दोनों स्टेटमेंट्स को? रऊफ क्लासरा साहब, मेरी आवाज इस वक्त कपकपा रही है और आपके साथ बात करते हुए मेरा दिल जो है वो बिल्कुल टूटा हुआ है। आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है कि अंधेरे में हैं, उनको हकायक का नहीं पता। मैं उनको चैलेंज करता हूं आपकी वसादत से, मुझसे जब उनकी बात होगी मैं उनसे भी बात करूंगा। ये इलाका हम खो चुके हैं, यहां पे अब उम्मीद की किरण बस यही है कि अगर यहां के जो मायदीन हैं उनके साथ बात की जाए तो शायद बात हो सके। लेकिन मुझे नहीं लगता, यहां पे पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा तूफान जो है लोगों के दिलों में है। और मैं जरदारी साहब को चैलेंज करता हूं कि वो मुझे इस इलाके में विजिट करके दिखाएं, अपने किसी मिनिस्टर को भेज के दिखाएं। रहमान मलिक साहब को मैं चैलेंज करता हूं, वो इस इलाके में रोड पे विजिट करके दिखाएं। अगर वो कुहाट से बनू तक पहुंच जाएं रोड पे, रोड से जो कुहाट बनू रोड है अगर वो उस पर ट्रेवल कर जाएं तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। अगर वो उसके बाद बनू से आगे जो शुमाली वजीरिस्तान का पहला चेक प्वाइंट है जहां से मीर अली शुरू होता है, वहां तक अगर वो पहुंच जाए तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। ये इलाका जो है यहां पे कोई हुकूमत पाकिस्तान की रेट नहीं है, एक इंच छोड़ें ये तो 300-400 किलोमीटर का इलाका है जिसपे इनकी कोई रिट ही नहीं है। और ये टैंक जिन इलाकों में चढ़ाए हुए हैं ये वो इलाके हैं जहां पे गरीब लोग रहते हैं, गांव है वहां पे खेत हैं, वहां पे ये टैंक से गोले फायर कर रहे हैं, मार्टर गोले फायर कर रहे हैं रोजाना जो है। ये कहते हैं जी हमने 50 तालिबान मार दिए, 60 तालिबान मार दिए। मैं चैलेंज करता हूं मुझे किसी एक तालिबान की लाश दिखाएं, किसी एक अलकायदा वाले की मुझे लाश दिखाएं। कोई इन्होंने अलकायदा और तालिबान नहीं मारा। मैं ये नहीं कहता कि यहां पे नहीं है, यहां पे हैं, लेकिन ये उनकी तरफ नहीं जाते, ये डरते हैं क्योंकि उनके पास फजाई हमला आवर है। ये उनके इलाकों में नहीं जाते, ये गरीबों के इलाकों में जाते हैं। और मैं एक पाकिस्तानी हूं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं, इस मुल्क से मुझे मोहब्बत है, इसलिए मैं ये सच बोल रहा हूं आपके साथ कि ये जो फौजी ऑपरेशन हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के खिलाफ हो रहा है, वेस्ट को दिखाने के लिए हो रहा है, वेस्ट से पैसे बटोरने के लिए हो रहा है। ये अलकायदा और तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ रहे। और मैंने यहां पे इस इलाके में जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं कबायली इलाके के, उनसे भी बात की है। वो बेचारे सारे जो है मेरे सामने तस्वे भाया आंसू बहा बहा के रोते हैं। वो कहते हैं जी कि हमने ये फौजी हुकाम को बताया है
वजारत दाखिला को बताया है कि ये यहाँ पे तालिबान है, यहाँ पे अलकायदा, आप इस तरफ जाएं, ये उस तरफ नहीं जाते, ये डरते हैं उनसे, ये उस तरफ नहीं जाते। मीर साहब, और ये मीर साहब सारी आपकी बात का आठवां बड़ी इंतहाई हमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रहे हैं कि जब आप ये इस तरह की सिचुएशन है जो हमें भी डिप्रेस कर रही है, तो उस वक्त जरदारी साहब अपने निजी दौरे पर दुबई चले गए, आप कैसे लिंक करेंगे इन तमाम चीजों, क्योंकि मुल्क में एक तरह की अनार्की की सिचुएशन है, ऐसा क्या उनको जाती काम हो सकता है दुबई में जिसके लिए वो चुपके से परसों चले गए मेरा ख्याल है यहाँ से? क्लादरा साहब, परसों मेरा कॉलम जो जंग में छाया हुआ था उसमें मैंने बड़ा सख्त अल्फाज में तनकीद की थी कि उन्हें करजई के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। जी, मैंने पढ़ा था, बिल्कुल सबने पढ़ा था। उस पर उन्होंने, जरदारी साहब ने मुझे फोन किया था शाम को और उन्होंने मुझे कहा जी कि आपको क्या शिकवा शिकायत है, तो मैंने उनको बताया जी कि देखें बात यह है कि जहां पे जब आपकी सदारत का सवाल था, आप आईनी तरीके से सदर मुंतखब हो रहे थे, हमने आपकी मुखालफत नहीं की, लेकिन सदर बनने के बाद आपने एक ऐसे बंदे के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जो अली ललान कहता था कि मैं पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान पे हमला करूंगा, मैं पाकिस्तानियों को सबक सिखा दूंगा, तो ये आपने अच्छा नहीं किया। तो उनके साथ जो मैंने गुफ्तगू की और जो मैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसा लगता है कि जरदारी साहब कमजोर हैं, उनका जो है बस नहीं चल रहा और वो अपनी बच्ची का दाखिला कराने गए हैं इडनबर्ग यूनिवर्सिटी में, शायद पाकिस्तान वापस आके वो कोई वाजे लाइन लेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त लगता यह है कि जो परवेज मुशर्रफ ने 8-9 साल में जो पॉलिसियां इख्तियार की थी, उन पॉलिसियों ने जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार के और बेयकीनी के जो बीज बोए हैं वो अब एक बहुत बड़ी फसल पक के तैयार हो चुकी है और दुश्मन अब वो फसल काट रहा है। जरदारी साहब की बदकिस्मती ये है कि वो एक ऐसे दौर में सदर बने हैं पाकिस्तान के जब परवेज मुशर्रफ ने जो नफरतों की फसल उगाई थी, अब वो फसल काटने का वक्त है और दुश्मन फसल काटने के लिए जब मैदान में उतर आया है, पाकिस्तान के अंदर घुस के फसल काटने की कोशिश कर रहा है, तो जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन गए हैं। ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है, इस मुश्किल सूरत हाल में अगर आसिफ जरदारी साहब अच्छे फैसले करेंगे तो एक बहुत बड़े लीडर बन के उभरेंगे, वरना ये पीपल्स पार्टी मुझे लगता है आखिरी दफा इक्तदार में आई है, दोबारा इसको कभी चांस नहीं मिलेगा। जी मीर साहब, एक और आपसे सवाल, क्योंकि आपकी मौजूदगी का हम ये फायदा उठाएंगे मैक्सिमम आपसे इन्फॉर्मेशन लेने की, एक यहीं पे आपसे फोन से पहले थोड़ी सी बहस हो रही थी मेरे खिजर के साथ कि ये क्यों होता है कि जब भी पाकिस्तान में अब पॉलिटिकल हुकूमत आने लगती है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी हम देखने लगते हैं, यकदम हालांकि ये क्या नहीं साहब थे, आपको याद होगा एक साल से वो आर्मी चीफ हैं और एक साल में कई दफा पाकिस्तानी सरहदों पे ऊपर ये हमले भी हुए हैं और ये हमला कोई पहली दफा नहीं था, ये जरूर कह सकते हैं पहली दफा अमेरिकी फौजी आए हैं किसी गांव में एंटर हुए हैं, अदरवाइज तो ये तमाम हम देख रहे थे कि इस तरह की वायलेशन तो हो रही थी। एकदम अमेरिका को भी याद आ गया कि वो प्रेशर डालने लग गए कि हम जंग करेंगे पाकिस्तान को, बरतानिया को भी याद आ गया है और पाकिस्तान में आप तो आजकल देख रहे होंगे वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक की टीमें भी आके एक तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को प्रेशर में ला रही हैं। आप ये नहीं देखते कि इस तरह की जो फोर्सेज हैं ये ऑल ऑफ सडन जब पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस आते हैं, कोई स्टेबिलिटी आने लगती है, तो ये अमेरिका, बरतानिया, हमारी एस्टेब्लिशमेंट और इस तरह के वर्ल्ड जो लैंडिंग एजेंसी इकट्ठी हो जाती है, उनको चलने नहीं देते? रऊफ क्लासरा साहब, आपने सवाल में ही तजिया फरमा दिया और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि आप इस लाइन पे सोचते हैं, क्योंकि आजकल तो हमारे जो अक्सर तजिया निगार हैं और सहाफी हैं वो आर्मी को आवाजें देने में बहुत फख्र महसूस करते हैं और बड़ी बड़ी तस्वीरें छापते हैं, क्वार्टर पेज की तस्वीरें छापते हैं, ग्रेड 22 का एक अफसर होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये आपने बड़ी सही बात किया, बड़ा सही सवाल उठाया कि इनको आर्मी चीफ बने हुए कितने महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए, पहले तो कभी इन्होंने इस तरह की बयानबाजी नहीं की, अब जबकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई है तो ये बड़े बड़े बयान देते हैं, कहते हैं जी कि हम अमरीकियों को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारी हदूद में घुस के कार्रवाई करें, अगले दिन अमरीकी कार्रवाई करते हैं और ये देखते रह जाते हैं। तो इस पर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको भी समझ नहीं आती कि ये आर्मी चीफ को क्या हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि जज और जर्नैल जो है इनको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, दे शुड स्पीक थ्रू देयर एक्शन, इनको अपने एक्शन के जरिए, अपने फैसलों के जरिए बात करनी चाहिए। अगर अमेरिका के त्यारे पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफवर्जी करते हैं और हेलीकॉप्टर से उनके पैरा ट्रूपर्स पाकिस्तान की सरजमीन पर उतर के बेगुनाह औरतों और बच्चों को गोलियां मारते हैं, तो ये पाकिस्तानी फौज का फर्ज है कि ये उनको रोके और अपने एक्शन से साबित करे कि ये हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं, हमें इनकी बयानबाजी की जरूरत नहीं है। आप देखें कबायली इलाके में 1,00,000 पाकिस्तान आर्मी के जवान डिप्लॉयड हैं, 1,00,000, एक बहुत बड़ी फिगर मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आज सुबह से मैंने बहुत से देखे हैं कि ये जो महफूज इलाके हैं वहां पे इनकी बड़ी बड़ी चेक पोस्टें हैं और जहां पे खतरा है वहां पे ये नजर ही नहीं आते। तो ये 1,00,000 से ज्यादा फौज क्या कर रही है यहाँ पे, रोजाना अमरीकी फौज घुसती है और अमरीका के त्यारे आते हैं। आज मुझे किसी ने बताया यहाँ पे एक शुमाली वजीरिस्तान का जो एक ट्रक ड्राइवर है वो मुझे बता रहा था कि आज सुबह कुछ पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे जब शुमाली वजीरिस्तान में अमरीकी ड्रोन आए हैं तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज जब जैसे फजा में नमूदार हुए हैं तो वो अमरीकी जहाज भाग गए हैं।
तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो आज हमने देखा है। हम चाहते हैं कि हमारी फौज जो है वो इसी तरह और हमारी एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत करें, जहां पे इनको इनको गैर मुल्की दहशतगर्द नजर आते हैं वहां पे उनको स्ट्राइक करें, उनको मारें। मैं दावे से कहता हूं क्लासरा साहब कि अभी तक इन्होंने अलकायदा का एक दहशतगर्द नहीं मारा, ना अमरीकियों ने ना इन्होंने मारा है, और अगर मारा है तो मुझे उसका नाम बता दें, उसकी तस्वीर दिखा दें, उसकी लाश दिखा दें। मैं चैलेंज करता हूं इनको, ये दिखा दें मुझे। ये कुछ नहीं दिखा सकते, ये कौम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं और ये मशरकी पाकिस्तान से भी बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ। अल्लाह ताला इनको हदायत दे और हमें भी इतनी अकल और जुरत दे कि हम इनके फ्रॉड को बेनकाब करें। जी मीर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा बड़े